ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कीबोर्ड से यूजर से एंटर करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पर फाइल में प्रिंट एंटर योर नेम, तो ये क्या होगा, ये आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं इसको, एंटर योर नेम। अब हम चाहते हैं कि जो यूजर है वो अपनी तरफ से एंटर कर पाए कीबोर्ड से, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं नेम नाम का, और उसको हम इनपुट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो इनपुट के लिए हमने सेव करा लिए, बट उसको हम प्रिंट कैसे कराएंगे, क्योंकि इन केस अगर इस वेरिएबल में नेम सेव हो जाएगा हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट नेम, वो वेरिएबल हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं, वो हम बाद में देखते हैं, एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर नेम एक्स वाई जेड, और अब अगर हम एंटर करते हैं तो वो जो नेम सेव हुआ है कीबोर्ड से हमने एंटर किया था, ठीक है, वो यहाँ नेम सेव हुआ, वो वेरिएबल हम प्रिंट करा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, राइट। क्योंकि ये लाइन एक्सिक्यूट होने के बाद ये वाली लाइन एक्सिक्यूट होगी, जिससे क्या होगा, जो नेम में सेव है, वेरिएबल में सेव है, वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि हम ये लाइन हटाकर हम इनपुट वाली लाइन में ही स्ट्रिंग एंटर कर देते हैं, जैसे कि एंटर योर नेम। तो यहाँ पर हम क्या करें, इनपुट के थ्रू ही ये स्ट्रिंग एंटर करा रहे हैं, और इनपुट ही हमारा कीबोर्ड से इनपुट लेने वाला है। ठीक है, तो हम फिर से इसको रन करते हैं, ये फिर से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंट फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया इस बार प्रिंट कराने के लिए, हम सेम इनपुट फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। और अब हम यहाँ नेम अगर सेव एंटर करते हैं, ए बी सी एंटर, तो अगेन नेक्स्ट में प्रिंट अगेन वही वेरिएबल जो है, अब यहाँ पर वेरिएबल ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो एक और चीज हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट में ही हम हेलो ये हुआ इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, अब यहाँ पर हम कोमा डालकर यहाँ इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि ये वेरिएबल भी प्रिंट होगा और ये स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं, एंटर योर नेम ए बी सी एंटर, हेलो ए बी सी। तो अब प्रिंट में भी हम दो काम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा रहे हैं और इसके साथ हम वेरिएबल भी प्रिंट करा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या दिया, कोमा। ठीक है, और जो स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं उसमें हमें क्योट्स में रखा है, और जो वेरिएबल है ऑब्वियसली वेरिएबल को हम कभी भी क्योट्स में नहीं रखते, तो उसके लिए हमने सिंपली वेरिएबल का नेम लिखा है। ठीक है, ओके।